हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स क्लास टेंथ का करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने पहले से लिख के रखा है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स डिस्कस क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन गिवन फिगर्स। तो आपको ये दो फिगर्स दिया हुआ है, फिगर वन फिगर टू। आपको इसमें करंट का वैल्यू निकालना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले फिगर वन को। तो फिगर वन में 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर नेगेटिव नीचे, तो बट नेचुरल है कि करंट यहाँ से जाएगा आई और ए पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली टोटल करंट निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इन दोनों रेजिस्टेंस के बराबर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 30 + 30 = 60 हो जाएगा, सीरीज में 60। तो इसको हम लोग अगर देखें ध्यान से तो ऐसी सर्किट हो जाएगी। ये हो जाएगा 60 ओम का और ये होगा 30 ओम। ये दोनों ऐड हो गया इसके बराबर, और ये 30 और 60 कितना हो जाएगा, तो R टोटल किसके बराबर हो जाएगा, R टोटल 60 × 30 पैरेलल है अपॉन 30 + 60। तो ये हो जाएगा 60 × 30 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 90। तो 3 × 30 = 90 और 3 = 20 है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम, और टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ, तो एज आई इज इक्वल टू वी बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आई इज इक्वल टू 2/20 इज इक्वल टू 0.1 एम्पेयर। तो आई इज इक्वल टू 0.1 एम्पेयर। तो क्वेश्चन नंबर की फिगर वन में सबसे पहले इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये और ये सीरीज में, तो 30 30 60, और ये पैरेलल में, तो 30 और 60 का पैरेलल कितना आ गया, 20। तो वोल्टेज दिया है 2 ओम वोल्ट, और हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 20, तो 2/20 = 0.1 एम्पेयर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड फिगर में कितना आता है। ओके, तो टोटल वोल्टेज कितना बैटरी का, 12। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो करंट इधर से ही जाएगा। तो लेट अस सपोज करते हैं आई करंट ये 4 एम्पेयर से होते हुए यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट ऊपर चला गया I1 और नीचे I2, और इधर से आने के बाद वापस I1 I2 मिक्स होके वापस बनाएगा I, और ये वापस ऐसे, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इन दोनों रेजिस्टेंस को देखें तो पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6 × 3 = 6+3 = 18/9 = 2 ओम। तो इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करें सर्किट को तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओम, यही होगा 4 ओम। ओके, तो अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 + 2 = 6, और ये 12 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू V/R टोटल, तो R टोटल किसके बराबर है, 4 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 12/6 = 2 एम्पेयर। ओके, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो करंट कितना होगा, 2 एम्पेयर। तो 2 एम्पेयर का एक पार्ट ऊपर जाएगा और एक पार्ट नीचे जाएगा, क्लियर। तो जब भी सर्किट पैरेलल में हो
जब भी सर्किट पैरेलल में हो तो उसका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एस वी इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट आई आर, देयरफॉर इन दोनों रेजिस्टेंस का, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का लिख सकते हैं हम लोग आर वन वी वन इज इक्वल टू आर टू वी टू। क्लियर? तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो R1 I1 R2 I2, तो R1 by R2 is equal to I2 by I1। क्लियर? तो R1 R2 किसका रेशियो है, R1 R2 3:6 is equal to 1/2। ओके, तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, करंट का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 2:1। क्लियर? तो 2:1 हो गया, तो देयरफॉर तो 2:1 हो गया करंट, तो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 4/3, और I2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2/3 एम्पीयर। क्लियर? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।